हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है कि अच्छे हो गए। आज यूपीपी का एग्ज़ाम था, आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आप सभी ने जितने क्वेश्चंस किए थे, भगवान करे सारे के सारे सही हो जाएं। जिसने गलत किया था उसको भी सही अंक मिले। कहने का ये तात्पर्य है कि आपने सही किया होगा। ठीक है, आइए फिर यूपी के मैथ्स के सॉल्यूशन के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। आपको बताता हूँ, इससे पहले हमने छोटा सा एक पार्ट किया था जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 88 से 100 तक मैंने बताया था, लेकिन नेट की असुविधा के कारण थोड़ा सा मैं खेद है, उसमें बफरिंग होने लगी थी। मुझे उम्मीद है कि छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बहुत वर्बली थे, आपने किए होंगे। जितना मैंने बताया होगा आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार हमें ज़रूर बताएं, हम उसे अगली वीडियो में अपलोड कर देंगे सही तरीके से। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपये और 200 रुपये एक व्यापार में निवेश किए, लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीनों का लाभ रवि और रश्मि के बीच 1:2 के अनुपात में साझा किया गया तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस निकाले थे? अगर आपने साझेदारी पढ़ा है तो साझेदारी का कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि जो लाभ वितरण अनुपात है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो किन बातों पर निर्भर करता है? कितनी पूंजी लगाई गई है और कितना समय के लिए दिया गया है, इस अनुपात में आपका लाभ बांटा जाता है। मतलब मैंने कितनी पूंजी लगाई है और कितने समय के लिए मैं व्यापार में बना रहा, इस बात पे लाभ मिलेगा। तो मान लीजिए ये रवि है और ये रश्मि। तो रवि ने 150 रुपये निवेश किए और कुछ महीनों के बाद चला गया, तो मुझे नहीं पता है कितने महीनों के बाद चला गया। जितने ही महीने रहा होगा उतने महीने का उसे लाभ मिलेगा, तो मैं मान लेता हूँ वो एक्स है। और रश्मि ने 200 रुपये शुरुआत से आई थी, अंत तक रही, मतलब पूरे के पूरे 12 महीनों तक, तो यही अनुपात में इन्हें लाभ मिलेगा। तो रवि का अनुपात है 150 × x और रश्मि का है 200 × 12, और ये अनुपात दिया गया 1:2 में वो बांट रहे हैं। काट दीजिए 0 0, 5 3 15, 5 4 20, 3 से 4 बार कटा 3 4 12, 2 से कट गया 2, तो x का मान आ गया यहाँ पे 4 2 8। और x ही क्या माना था हमने कि रवि ने कितने महीनों तक निवेश किया है, तो 8 महीनों तक निवेश किया, उसके बाद छोड़कर चला गया। तो इस सवाल का सही उत्तर है 8। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत कितना है? औसत 30 है, तीसरी संख्या कौन सी है? अगर 30 संख्याओं का औसत 30 है तो कुल मान कितना होगा? 30 × 3 मतलब 90। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का जो औसत है वो 90 होना चाहिए। एक 18 है, एक 27 है, तो तीसरा क्या हो कि तीनों का सम 90 बन जाए। तो यहाँ से एक्स आप घटा दो, 27 8 35, 35 10 45, 90 में 45 घटाएंगे तो आ गया 45। इस सवाल का सही उत्तर है 45, 102 आंसर 45। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि ए किसी काम को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति भी उसी कार्य को 60 मिनट में कर सकता है। अगर वे एक साथ उस कार्य को करें तो इस पूरा काम में कितना समय लगेगा? टाइम एंड वर्क। मान लेते एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। पहला व्यक्ति 48 मिनट में करता है, दूसरा व्यक्ति 60 मिनट में करता है। लोग कहते हैं एलसीएम ले लो, मैं कहता हूँ एलसीएम नहीं, कोई भी ऐसी वैल्यू ले लो जो कि काटने में आसानी हो, यहाँ इन चीज़ों से आसानी से कट जाए और हम ईजिली बिना पेन चलाए कैलकुलेशन कर सकें, क्योंकि 48 और 60 का एलसीएम निकालने बहुतों के लिए सरदर्द है। तो 48 किससे बना है? 12 × 4 से। 60 किससे बना है? 12 × 5 से। इसका मतलब अगर मैं यहाँ 12 ले लूँ तो 12 12 से कट जाएगा, बचे 4, यहाँ 5, 4 और 5 से जो संख्या कट जाए वो कौन सी है? 20। तो मतलब मैंने 20 ले लिया, तो 12 × 20 मेरा क्या आ गया? पूरा काम, टोटल वर्क, TW, टोटल वर्क। अगर ए 12 × 4 मतलब 48 मिनट में इतना काम करता है तो 1 मिनट में कितना करेगा? ये बटे में ये, तो 12 से 12 कट जाएगा, 20 में 4 से भाग दूंगा कितना आएगा? 5 यूनिट। यहाँ 20 60 मिनट में इतना काम करता है तो 1 मिनट में 12 × 20 से जब मैं 12 × 5 को भाग दूंगा तो 12 से 12 कट जाएगा, 20 / 5 मतलब 4। इनकी कार्य क्षमता आ गई कि ए की कार्य क्षमता 5 है और बी की 4 है। तो कह रहा है दोनों मिलकर अगर एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने समय पूरा होगा? दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए करेगा 5, बी करेगा 4 मतलब 9। तो इन्हें समय कितना लगेगा? इन्हें करना कितना है? 12 × 20 और एक दिन में कितना करते हैं? 9। 3 3 9, 3 4 12 मतलब 80 / 3 मतलब 26 सही, 2 /
मतलब 26 + 2/3, 2/3 मिनट में है, चेंज कर देता हूँ सेकंड में, तो 3 से 20 कट गया, मतलब 26 मिनट 20 × 40 सेकंड। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या है, 26 मिनट 40 सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 103 आंसर 26 मिनट 40 सेकंड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। तो ज़रूरी नहीं कि हम टाइम एंड वर्क में एलसीएम लें, हम कुछ भी लेंगे आंसर सही आएगा। नंबर 104, राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है या 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल चला सकता है, वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी को तय करने के लिए 45 सेकंड लेता है, राजेश ने साइकिल कितनी देर चलाई। अगर आप एलिगेशन के एप्लीकेशन को थोड़ा भी समझते हैं तो आपको मैं बता देता हूँ भाई, एलिगेशन बहुत जल्दी हो जाएगा ये भाई। अगर मैं साइकिल ही चलाऊँ पूरा तो 600 मीटर साइकिल की स्पीड 20 रहेगी, मतलब मुझे 30 सेकंड लगेंगे, ठीक है। या अब मैं पैदल चलूँ तो पूरा 600 मीटर में 5 की स्पीड से चलूँगा तो मुझे 120 सेकंड लगेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दोनों को से चलने में जो मुझे समय लग रहा है वो 45। तो एलिगेशन कहता है बड़े से छोटे को घटा दो, एक बार अगर इससे इसको घटा रहे हो तो दोबारा इससे इसको घटाओ, 120 से 45 गया कितना है 75 और 45 में 30 गया 15, तो ये अनुपात आ गया 15 × 15, 15 × 75। इसका मतलब यदि एक यूनिट पैदल चल रहा है तो 5 यूनिट साइकिल चल रहा है, इसका मतलब टोटल कितना चल रहा है 6 यूनिट, मतलब हर 6 किलोमीटर में 1 किलोमीटर पैदल 5 किलोमीटर साइकिल चल रहा है, और 6 बराबर कितना दिया हुआ है 600, 6 बराबर 600 तो 5 बराबर 500 और 1 बराबर 100 के, ठीक है। तो कह रहा है कि राजेश ने साइकिल कितनी देर चलाई, तो जब 500 मीटर चलाई होगी साइकिल और 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है तो इसने कितने 25 सेकंड चलाई होगी, तो राजेश ने 25 सेकंड साइकिल चलाई होगी, फिर छोड़ दिया होगा, थक गया होगा और पैदल चलने लगा होगा, ठीक है। तो इस सवाल का सही उत्तर था 25 सेकंड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 105, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है, यदि लंबाई 20% और चौड़ाई 25% बढ़ जाती है जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है, तो कमरे की चार दीवारों का कुल क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मेंसुरेशन, क्षेत्रफल और परिमाप। चलिए, कभी अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी यहाँ पे तो मैंने कभी बताया था कि लंबाई क्या हो रहा है भैया, 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है मतलब 1/5, मतलब 5 अगर थी तो 1 बढ़ गई, 5 थी 1 बढ़ गई तो हो कितनी गई 6, चौड़ाई 25% बढ़ जाती है, 25% का मतलब 1/4, 4 थी 1 बढ़ गई तो हो कितनी गई 4 से 1 बढ़कर कितनी 5 हो गई, ऊंचाई कह रहा 25% कम हो जाती है, तो 25% कम हो जाती है मतलब 1/4, 4 थी 1 कम हो गई, 4 थी 1 कम हो गई, हो कितनी गई 3। तो कह रहा चार दीवारों के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा होगा, तो चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो निकाल दो, पहले अगर 5 थी लंबाई और चौड़ाई थी 4, ऊंचाई थी 4, 2 ये रहा होगा क्षेत्रफल, 5 × 9 = 18 × 72, बाद में 6 हो गई लंबाई, चौड़ाई हो गई 5 और ये 3, तो 6 + 5 = 2 यहाँ गुड़े 3, 6 × 5 = 11 × 22 यहीं 66, ठीक है। तो इसका मतलब 72 थी 66 हो गई, कितना कम हो गई 6 कम हो गई, तो 6 क्या प्रभाव क्या पड़ा भाई, 6 कम हो गई कितने पे 72 पे, 1/12, इसका मतलब कम हो रही कितनी 1/12। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ यहाँ से दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने प्रभाव लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख लीजिए प्रभाव। क्वेश्चन में कह रहा है कि कमरे की चार दीवारों का कुल क्षेत्रफल प्रारंभिक क्षेत्रफल का कितना होगा, तो क्षेत्रफल 6 कम हो जाएगा, प्रारंभिक में कितना था 72, तो 1/12 का भाग कम हो रहा है,
चलो क्वेश्चन नंबर 105 डन हो गया। ऑप्शन है पहला, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 कम हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट 106 प्रश्न संख्या 106। तुहिन और प्रणव किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कार्य की समाप्ति तक तुहिन से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी एक एक मिनट काम किए, केवल अंत में काम करने वाले को अंतिम पारी भी 1 मिनट से कम समय काम करने की अनुमति है। कार्य पूरा करने में इन दोनों को कितना समय लगेगा? टाइम एंड वर्क, अल्टरनेट टाइप मैंने आपको पढ़ाया है, सवाल वैसे ही है, बस अपना समय आप बचा सकते हैं यदि आप कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दें। ए 42 मिनट में कर रहा है, ए की जगह पे यहाँ तुहिन दिया हुआ है, तो नाम पे मत जाइए, आप कुछ भी कह सकते हैं। तुहिन और ये प्रणव है, प्रणव ले रहा है 70 मिनट। लोग कहते हैं इसका एलसीएम ले लो, मैं भी कहता हूँ एलसीएम ले लो, लेकिन एलसीएम 42-70 का छोटा मोटा टास्क नहीं है, बड़ा टास्क है, आपको समय लगेगा। हाँ भाई तोड़ लो, 7 × 6 7 × 10, 7 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी 7 वहाँ पे लिख लो, 10 और 6 से जो संख्या कट जाए, 10 6 से कौन संख्या कट सकती है? 30, मतलब 30 × 7 क्या हो गया? एलसीएम ही आ गया। अब 7 × 30, तुहिन 42 मिनट में इतना करता है तो 1 मिनट में कितना करेगा? ये बट्टे में ये, तो जब ये बट्टे में ये होगा 7 से 7 कट जाएगा, 30 × 6 मतलब 5 कार्य क्षमता आ गई तुहिन की, प्रणव की, ये बट्टे में ये 7 से 7 कट गया, 10 × 30। इसका मतलब तुहिन 5 यूनिट कर रहा है डेली और प्रणव कर रहा है 3 यूनिट, ठीक है। कह रहा है एक एक मिनट दोनों बारी बारी से काम करते हैं, और पहले कौन शुरू कर रहा है? तुहिन से शुरू करते करते तुहिन पहले करता होगा, फिर पहले मिनट कौन आता होगा? तुहिन, फिर आता होगा प्रणव, पहले तुहिन आता है फिर प्रणव आता है, ऐसे तुहिन प्रणव, तुहिन प्रणव, तुहिन प्रणव, है ना। तो ऐसे मतलब यही काम होता होगा, तो एक चेन बन जाती है हमेशा बारी बारी में कि हर 2 मिनट में कितना काम हो रहा होगा? 9 यूनिट, क्योंकि फिर वही टीपी 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 टीपी, तो आप देख रहे हैं कि 2 मिनट में कितना काम हो रहा है? 9 यूनिट। तो मुझे करना कितना है? 30 × 7 = 210। मुझे पता है कि 9 का अगर मैं पहाड़ा पढ़ूंगा, 9 9 9 करूँगा, 210 नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई है, 5 × 3 = 8 8 यूनिट था यहाँ पे ना, 5 × 3 = 8, तो यहाँ पे कितना होगा? 2 मिनट में 8 यूनिट करते हैं, 8 के पहाड़े में 210 नहीं आएगा, 8 के पहाड़े में क्या आएगा? 208, तो 8 × 26 कितना होगा? 208, तो समय अगर 26 गुना हो रहा है तो समय भी 26 गुना बढ़ेगा, 26 × 52, इसका मतलब 52 मिनट लेके ये 208 यूनिट काम कर देंगे, शेष कितना बचेगा? 2 यूनिट, 2 यूनिट कौन आएगा? 2700 मिनट लगेगा, 2700 मिनट लगेगा तो कौन आएगा? ऑड नंबर है मतलब तुहिन आएगा, और तुहिन कितना करता है? 5 यूनिट 1 मिनट में, तो 1 यूनिट करेगा 1/5 में, इसे करना कितना है? केवल 2, तो 1/5 × 2 मतलब 2/5 मिनट लेगा और काम को पूरा कर देगा, 2/5 × 60 मतलब 5 से 12 बार में आएगा, 12 × 12 = 24 मिनट, इसका मतलब 26 मिनट तो पूरा लग गया, और 2 27वें मिनट में 24 मिनट, तो आंसर कितना होगा? 26 मिनट 24 सेकेंड, ठीक है। तो 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर 26 × 52 हो गया, ठीक है। तो ये 26 × 52 52 मिनट जो 53वें मिनट में आएगा, 53वें मिनट में तुहिन, और तुहिन 24 सेकेंड लेके काम को पूरा कर देगा, तो इस सवाल का सही उत्तर होगा 52 मिनट 24 सेकेंड। ठीक है, अगर आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा तेज बता रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य केवल आपको सॉल्यूशन देने का है, लेकिन मैं थोड़ा सॉल्यूशन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपने भी एग्ज़ाम दिया होगा तो कुछ पढ़ के ही दिया होगा, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं भी समझ में आ रही होंगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा, जब भी मैं इसका लेक्चर बनाऊंगा या आपको आगे समझाऊंगा तो वहाँ पर मैं इसे पूरा बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 इस पूरे सेट का सबसे अच्छा प्रश्न था, ठीक है। 107 ध्यान से देखिएगा,
कह रहा रविंद्र रोज साढ़े रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति थे 3/4 की गति पर 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की। अगर वह समय पर कार्यालय पहुंच गया तो रवि ने अपनी सामान्य गति से कितने गुना गति पर यात्रा के शेष हिस्से में यात्रा की। बहुत अच्छा प्रश्न है। कॉन्स्टेबल में इस क्वेश्चन की उम्मीद नहीं की गई थी, लेकिन प्रश्न अच्छा है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस सवाल को कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि दूरी बटे में चाल कितना समय के बराबर, ये होता है दूरी बटे में चाल बराबर समय। दूरी और समय, देखिए वैल्यू मानना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। एक अच्छी वैल्यू एक अच्छा इंसान मान सकता है। आप देखते हैं कि सही आंकड़े कितनी कैलकुलेशन कम कर देते हैं। यदि यहाँ पर मैं इसको डी मान लूँ, इसको एस मान लूँ, इसको टी मान लूँ, तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, 1/3 गति को बोला गया है, मतलब 3 में 1 चलता है, तो मैं दूरी को कितना मान लेता हूँ, 3D, ठीक है। ताकि जब 3 का 1/3 निकालूँ तो 1 आ जाए और ईजिली कैलकुलेट हो जाए। वो चाल 3/4 गति से, 3/4 गति से, मतलब पहले 4 पे चल रहा था, बाद में 3 से चलने लगा, तो मैं डेनोमीटर में 4 देखकर कि 4 कट जाएगा तो मैं 4 मान लेता हूँ। चाल को मान लिया मैंने 4s, ठीक है, क्योंकि 4s का मैं जब 3/4 निकालूँ, 4 से कट जाए 3s, और ये आता है टाइम। टाइम कितना लगता है उसे, 90 मिनट। 90 मिनट मतलब 90/60, 3 * 9 3 * 2 = 6, मतलब 3/2 घंटे मैंने छोटा कर लिया कैलकुलेशन, ठीक है। इसका मतलब जो 8 बजे चलता था 9:30 बजे पहुंचता था 1.5 घंटे में, तो 3D/4S बराबर 3/2, 3 से 3 कट गया, 2 * 2 = 4, तो यहाँ से D बराबर क्या आ गया, 2S, एक इक्वेशन बनी। कह रहा है यदि सामान्य गति से 3/4 की गति पर चले, मतलब पहले 4S से चल रहा था, 4S का अगर मैं निकालूं 3/4 कितना आएगा, 3S, अब 3S से चल रहा है और दूरी कितनी चेक कर रहा है, 1/3, मतलब पहले 3D थी, अब उसका 1/3 मतलब अब केवल D चल रहा है। इसका मतलब D दूरी तय कर रहा है किस स्पीड से, 3S से। अब जो शेष बची हुई है, मतलब 2D बची हुई है, उसको किस चाल से चलेगा, वो पहले ये निकल के आ जाए कि वो सामान्य ही समय पर पहुंचे। सामान्य समय मतलब 3/2 घंटे जो पहले पहुंच रहा था। डी की जगह पर मैं वैल्यू रख दे रहा हूं, डी की वैल्यू कितनी है, 2S, तो यहां पे 2S आ गया, यहां 2S रखूंगा तो ये क्या, 2 * 2 = 4S, बस कट्टी पिट्टी कर दो, S से कट गया, 2/3 + 4S ? बराबर 3/2। तो आपने कहा ये, अब यहां से कितना आ जाएगा, तो 4S 3/2 - 2/3 को सॉल्व करेंगे, 3 * 2 का एलसीएम लेंगे, 6 * 2 = 3 * 3 = 9, 3 * 6 = 2 = 4, तो ये आ गया 5/6। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, 6 * 4 = 24, S/5। इसका मतलब जो आपका आंसर होगा, वो पूछ रहा है कि सामान्य गति से कितना गुना ये चल रहा है। अब चल रहा है 24S/5 से। ये S और 5 में कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, ये मेरा इटालियन S है, और पहले कितना चल रहा था, 4S से। आपने कहा S से S कट गया और ये आ गया 24/20, 4 * 5 = 24, इसका मतलब अब चल रहा है पहले से 6/5 गुना से। तो ये सेट का अंतिम सवाल था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि किसी भी तरीके से मैं आपको नहीं समझा पाया हूँगा तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर कौन सा आपको समझ में नहीं आया। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों को ये आंसर की बहुत जल्दी मिल सके।